छत पर बताया जा रहा है कि आश्रम की छत पर एक शिवलिंग भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल जारी है। हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं अंदर के हालात इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के दिखाने की। किला नुमा जो पूरा का पूरा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, 3 मंजिला में बना है, जिसके एक एक खिड़की दरवाजे पर पर्दे जालियां तो लगी हुई है ही, साथ में कुछ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि कोई ना ही बाहर देख सकता है ना ही अंदर। आप देख सकते हैं आश्रम के अंदर का नज़ारा एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ के कैमरे से। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं अभी भी आपको नज़र आएगी आश्रम के अंदर, जबकि लगातार 3 दिन से एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो ज्वाइंट टीम बनाई गई है कोर्ट द्वारा, उनका यहां पर चल रहा है। कई आपत्तिजनक चीज़ें बरामद की गई है, कई ऐसे कागज बरामद किए गए हैं जिन पर कई आपत्तिजनक चीज़ें, अश्लील बातें लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं बेहद संदिग्ध हो जाता है पूरा का पूरा मामला। और आपको हम सामने दिखा दें, पहली बार शायद आप देखेंगे इस पूरे के पूरे आश्रम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। जी हां, आप सामने देख रहे होंगे ये शिव का जो लिंग है इसी आश्रम की छत पर बना हुआ है। कहने के लिए आश्रम है, कहीं ना कहीं एक मंदिर भी स्थापित किया गया है यहाँ पर इस आश्रम की छत पर। तो आप सामने देख सकते हैं कितना बड़ा एक विशाल जो शिवलिंग है वो इस आश्रम की छत पर बना हुआ है। और अभी भी इस आश्रम के अंदर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, 41 लड़कियों को यहां से कल रेस्क्यू कराया गया है, जिन्हें जो नारी निकेतन और जो दूसरे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उन्होंने अपनी जगहों पर रखा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर रहते हैं कि कितने समय से आश्रम चल रहा है, किस तरह की गतिविधियां रहती हैं यहाँ पर? सर, हम यहाँ 5-6 साल से रहते हैं, मतलब हम गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ रात में जैसे कोई गाड़ी आई, कभी सुबह रह गई। एक दो बार हमने भी ऑब्जेक्शन कराया कि सर आप ये सब ढक के क्यों रखते हो, अगर ये सत्संग घर है, सत्संग होता है तो इसका मेन गेट खुला होना चाहिए ताकि कोई आए कोई जाए। इन चीज़ों से हमें भी शंका होती है, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते यहाँ गलत होता है सही, लेकिन हमारे मन में कुछ है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो जो वो देर रात भी आती रहती है गाड़ी आती है, अब उसको आप नेगेटिव सोच लो तो ये भी हो सकता है गलत आती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।